पूरा YouTube शमशान बना दूंगा। जोगिंदर भाई, इस तरह के अतिशोक्ति अलंकार वाली धमकियां वो निभा देते हैं जिनके कच्चे भी उनकी मम्मी धोती है। So guys, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो। तो 15 नवंबर को जोगिंदर भाई का बर्थडे था और बर्थडे पे इन्होंने और कुछ लिया ना लिया हो, अपने परम मित्र दीपक कलाल का आशीर्वाद जरूर लिया है। आज तेरा बर्थडे है दीपक कलाल, तुझे बर्थडे के लिए शुभकामनाएं देता है। जिंदगी में तूने बहुत लोगों की दुआएं ली, दीपक कलाल तुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। देखो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इन दोनों कंटेंट क्रिएटर्स के बीच प्रेम बहुत ज्यादा है और दीपक कलाल ने जो स्पेशल शुभकामनाएं जोगिंदर भाई को भेजी है, वो प्रेम हमें उन शुभकामनाओं के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सही बात है। हालात के मारे लोगों के हालात के नाम पे सिंपति और व्यू लेने के अलावा जोगिंदर भाई खुद भी कुछ कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं। अब जोगिंदर भाई का ये कंटेंट देखने के बाद कोई भी बता सकता है कि जोगिंदर भाई शुद्ध रूप से टिकटॉक की पैदाइश है, क्योंकि यही एक वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंटेंट क्रिएटर्स की प्रजाति है जहां किसी को भी कोई भी कंटेंट नहीं क्रिएटना होता है। यहां फेमस होने के लिए आईक्यू माइनस में होना चाहिए और जुल्फे लंबी लंबी होनी चाहिए। यकीन मानो, अगर किसी भी मानव में ये दो क्वालिटी है तो वो टिकटॉक स्टार बिल्कुल बन सकता है। सही पकड़े हैं। अब जोगिंदर भाई भी इसी बटोरे से निकले तो अब ये करे तो करे क्या, इन्हें ना नाचना आता है ना गाना आता है, अभिनय का इन्होंने कभी सीखा नहीं और आंगनवाड़ी में फैल होने के बाद ये टिकटॉक स्टार बन ही गए थे, तो इन्हें स्कूल जाने की कभी जरूरत पड़ी नहीं। बताओ, जब जिंदगी में बिना संघर्ष के फेम मिल जाए तो बंदा सेल्फ डेवलपमेंट पे काम क्यों करेगा। और इसीलिए इस प्रजाति में हमें कॉमन सेंस के अभाव के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एरोगेंस और अकड़ देखने को मिलती है, और वही सेम कहानी जोगिंदर भाई की है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। लाखों फॉलोअर होने के बाद भी जोगिंदर भाई ने कोई स्किल सीख के दुनिया को कोई मीनिंगफुल कंटेंट देने का सोचा ही नहीं, और इसीलिए हालात के मारे लोगों की हेल्प करने के नाम पर वीडियो बनाते रहते हैं और उसे अपने कंटेंट का नाम देते रहते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में जोगिंदर भाई को कोई कुछ कह भी नहीं सकता। अगर कोई कहे कि जोगिंदर भाई आप कोई अच्छी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो जोगिंदर भाई अपना ह्यूमैनिटेरियन फेस आगे कर देंगे कि ये देखो दुनिया वालों, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और ये लोगों की हेल्प के अगेंस्ट बोल रहा है। सही पकड़े हैं। भाई भूख लग रही है, बहुत तेज भूख, अंडे खाऊंगा अंडे। बहुत ही तेज भूख लग रही है जोगिंदर भाई को। जोगिंदर भाई एक काम करो, मुर्गी के नीचे मुंह लगा कर डायरेक्ट अंडे खा लो। जो जोगिंदर थरा भाई, जोगिंदर इतने अंडे खाएगा, इतने अंडे खाएगा आँख मीच के, किसी ने सोची ना होगी। बिल्कुल जोगिंदर भाई, अंडे खाते रहो आँख मीच के और ऐसा ही कंटेंट क्रिएटते रहो। बस थोड़े दिन की बात है, आपको डिजिटली इतना पेल देंगे कि आपको फिजिकली चलने में दिक्कत होने लग जाएगी। भाई आज खाऊंगा पपीता, पपीता खाऊंगा पपीता। जोगिंदर भाई, पपीता खा के क्या करोगे? पपीता खा के भी आपको डिजिटली और फिजिकली अगड़ना ही है। एक काम करो, गुस्से खा लियो एक दिन, आपके दोनों आउटपुट से मैच होने लग रहे हैं, क्या पता क्वालिटी में कुछ सुधार आ जाए। थरा भाई, जोगिंदर इतने पपीते खाएगा, इतने पपीते खाएगा, किसी ने सोची नहीं होगी। जोगिंदर भाई, कमेंट करने वालों ने तो सोच रखी है। पहला कमेंट पढ़ के बता रहा हूँ भाई, मारी तरफ से जे तू गू खा, हमने कोई लेना देना नहीं है। बस के जोगिंदर भाई, जोगिंदर भाई से दुनिया इतनी परेशान है, इनके कमेंट सेक्शन में लोग डिसलाइक बटन बनने को तैयार बैठे हैं। और इसके अलावा एक और कमेंट है, एक ने लिखा है थोड़ा स्थान विशेष में भी डाल लियो। क्या मतलब जोगिंदर भाई, ये क्या है? अब मैं जोगिंदर भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपको जो ये उड़ते उड़ते गर्मा गर्म लेने की आदत थी, वो अभी भी बरकरार है या कुछ सुधार आया है उसमें? पहले देखने में आता था कि जोगिंदर भाई को कंटेंट के दस्त लगते थे, लेकिन आजकल पता नहीं इन्होंने डाइट प्लान में क्या चेंज किया, इनको कब्ज की शिकायत हो रही है। 15 तारीख को शाम को 3 बजे इनका फुल डिस्ट्रैक आना था, लेकिन 16 तारीख को जोगिंदर भाई ने 20 सेकंड की GIF अपलोड की है। क्या मजबूरी थी? और उसके एक दिन बाद इंस्टाग्राम पे 15 सेकंड भी रखा है। अब जोगिंदर भाई की इतनी दयनीय दशा देख के यार इनसे पूछना तो बनता है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? 16 तारीख को जोगिंदर भाई ने यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाते हुए यूट्यूब पे 20 सेकंड की एक GIF अपलोड की थी, और 17 तारीख को जोगिंदर भाई ने ये अपलोड किया है। पवंडर, पूरा यूट्यूब शमशान बना दूंगा। अरे ओ कैरी मिनाटी, क्या बोल रहा था, पवंडर कब आएगा? ये देख, इसे बोलते हैं पवंडर। ये क्या है? ये तो टट्टी है। हाँ, पूरा यूट्यूब शमशान बना दूंगा। जोगिंदर भाई, इस तरह की अतिशोक्ति अलंकार वाली धमकियां वो निभा देते हैं जिनके कच्चे भी उनकी मम्मी धोती है। भैया,
ये कार्टून में रिप्लाई कौन करता है यार है? इस तरह के कार्टून या तो 4 साल के बच्चों को पसंद होते हैं या फिर हेंताई के फैन बेस को। 4 साल के बच्चे तुम हो नहीं तो बच गया फैन बेस। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। थारा भाई जोगिंदर दंगा करेगा यूट्यूब के अंदर। डिस्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रैक्ट, बैक टू बैक। ये ले भाई, मैंने कहा था ना, जो मैंने कहा था एग्जैक्ट वही हुआ। चमत्कार बाबा चमत्कार। अब अगर कैरी ने 1% भी इस पे मतलब इसका नाम लेके छींक भी दिया ना, आय हाय हाय, बस यही चाहिए इसे। इसको नेगलिज, इसको बिल्कुल भी अटेंशन ना दो, बस यही है इसका इलाज। बाकी ये बड़े यूट्यूबर्स के लिए, मेरे जैसों को तो अटेंशन इसे देनी पड़ेगी क्योंकि इसके नाम से भाई व्यू आ रहे मेरे को। क्या करें, बस मजबूरी का नाम गंदी है। से बोलते हैं बवंडर। जोगिंदर भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ ऐसा गंद अपलोड करोगे और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम अपलोड करो तो सही, यही पटक के और दीपक कलाल। ये भी इसके डाइट प्लान का हिस्सा है क्योंकि जब तक ये कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे दीपक कलाल से अपनी डोज पूरी नहीं ले लेता ना, तब इसे मतलब इंस्टाग्राम पे साहित्य निर्माण में दिक्कत होने लगती है। तू सपोर्ट मारा था ना, क्या बोल रहा था, अब आजा अपने सामने, मैं बताता हूँ तेरे को। यानी कि तैयारी पूरी कर ली दीपक कलाल के साथ वीडियो बनाने की। तेरी औकात क्या है, मुड़ी है, और तू क्या कर लेगा मेरा? सही बात है, ये तो दीपक कलाल से भी गया गुजरा है, दीपक कलाल इसका क्या कर लेगा? बॉलीवुड से फोन करवा रहा, बॉलीवुड वाले सपोर्ट में थारा भाई जोगिंदर की। भाई इस टाइम पे अगर इसे बॉलीवुड की स्पेलिंग पूछ लो ना, इसे वो भी ना आए। लगता अमिताभ बच्चन ने जोगिंदर भाई को फोन करके धमकी दी है। नहीं, सोच के देखो, ऐसा कौन होगा बॉलीवुड में जो इसके लेवल पे, जिसके पास इतना खाली टाइम है और जो इस कचरे को फोन करेगा या फिर जो इसे सपोर्ट करेगा। जोगिंदर भाई एजाज खान और छोटा डॉन उसी लेवल के स्टार है जिस लेवल के तुम कॉन्टेंट क्रिएटर हो, और ये कह रहा है कि बॉलीवुड वाले इसके सपोर्ट में है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से पंचायत के इलेक्शन में खड़ा है और वो किस तरीके से इसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसा सपोर्ट है जो दिखाई नहीं दे रहा? जोगिंदर भाई कहां कहां से गुप्तदान ले रहे हो तुम? नहीं बताऊंगा। तुम लोगों ने धंधा मचा रखा है, दा थप्पड़ तेरे टैट के ऊपर है ना, हरी घास उगा दूंगा। हाँ बस अब ये इनका कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। यकीन मानो ये डिजिटली गजब की फाइट है। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन इनको फिजिकली लाके आमने सामने और फिर कहा जाए कि यार अब लड़ो। तो अब जोगिंदर गदा तो है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और ओवर स्मार्ट भी है। ये पंगे सोच समझ के लेता है। इसे अच्छे से बताया, जिस दिन इसने गलत बंदे से पंगे ले लिए उस दिन मुंह पे मार मार के इसके लिप्स जैसे लिप्स बना दिए जाएंगे। बहुत तकलीफ होती है। ये जो मैंने रोस्ट किया है खाली आप लोगों को हंसाने के लिए क्या है? और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।